शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियाँ और क्या हो सकता है आपके साथ। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनकी स्थिति पहले से नॉर्मल है। आप विवाद से दूर हैं और चीज़ों को बेटर करने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति परिस्थितियाँ भी आपके कंट्रोल में आ रही है, जिससे आपकी बिगड़ी चीज़ें बन रही हैं और आपकी चीज़ें पहले से आप बेटर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति आपकी अच्छी है। थोड़ा सा नॉर्मल और होने का प्रयास करेंगे तो अपनी परेशानियों से आप बाहर आ जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो वृषभ राशि वालों के जीवन में भी स्थिति बेटर है। अचानक आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है, बड़ा कोई कार्य आपका हो सकता है, जिससे आपको आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन एक ही दिन में एक ही समय पर मिल जाएगा, जिससे आपके मन में काफ़ी प्रसन्नता रहेगी और आप चीज़ों को बेटर करने का प्रयास कर सकेंगे। चीज़ों को बेटर करें जिससे कि आपकी स्थिति पहले से नॉर्मल हो जाएगी। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो जिनकी राशि मिथुन है उनके जीवन में भी स्थिति पहले से अच्छी है। चीज़ें आपकी बेटर हो ढंग से मिल रही हैं आपको, जिसके कारण आपके मन में उत्साह है। एक वातावरण की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है और चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर आपके जीवन में आ रही हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनों से बिछड़ने का दुख हर व्यक्ति को होता है, लेकिन जब हम कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं तो चीज़ों की स्थिति परिस्थिति कई बार हमारे लिए समय भी निर्धारित करता है और मन हमेशा पास होना चाहिए। बाकी दूरियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर हमारा मन एक दूसरे से जुड़ा होता है तो उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमें किसी भी परिस्थिति और स्थिति को देखने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कुल मिलाकर समय अच्छा है। आप अपने ऊपर और खुद के ऊपर विश्वास करें, पॉजिटिव होगा आपके साथ। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो कर्क राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से नॉर्मल है। चीज़ें अच्छी होंगी, आपको लाभ होगा, चीज़ें बेटर ढंग से आपको मिलेंगी, चीज़ें स्थिति पहले से बेटर होगी, आपको मन भी प्रसन्न रहेगा, कई यात्राएं कर सकते हैं। हो सकता है कोई आप धार्मिक यात्रा भी करें और आपके स्वास्थ्य में थोड़े से पहले से इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है, ऐसी मुझे संभावनाएँ लग रही हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं सिंह राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो सिंह राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से बेटर है। आपको लाभ होगा, बहुत दिनों से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, जिसका सलूशन आपको मिलेगा, कोई रास्ता मिलेगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति में आपको काफ़ी रिलैक्स होने का समय भी मिलेगा और कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन। चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कन्या राशि वालों के जीवन में भी स्थिति तो पहले से बेटर है। लाभ भी होगा, चीज़ें आपकी बेटर होंगी। थोड़ा सा आपको हानि हो सकती है, खासकर कार्य व्यापार को लेकर, संबंधों में भी रिश्तों को संभाल कर चलें या नहीं तो आपको हानि हो सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तुला राशि वालों के जीवन में कुंठित होने की प्रवृत्ति को आप अपने जीवन से निकालें, क्योंकि कई बार जब हम दूसरों की सफलताओं से अपने मन में असफलताओं को घर करने लगते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। दूसरा किस प्रकार मेहनत करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है, उसको लाभ की स्थिति किस प्रकार मिल रही है, वो उसकी मेहनत है, वो उसका कार्य है। तुला राशि वाले हमेशा तुलनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और अपने उन्नति के बजाय दूसरों की उन्नति किस प्रकार हो रही है उस पर उनका मन ज़्यादा विचलित हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति आपके लिए जीवन में भी चल रही है, तो इस स्थिति से अपने बाहर निकालें। थोड़ा ऊंचा उठकर सोचने का प्रयास करें, तभी आप अपने जीवन में चीजों को पॉजिटिव कर पाएंगे और अपने बारे में सोचकर अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में भी अचानक कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है, आपके कोई नई मुसीबत आ सकती है, चीज़ें बेटर होने के लिए बजाय बिगड़ सकती हैं, पैसे का लेन देन ना करें, कोई बड़ा सौदा आपका कैंसिल हो सकता है, जिससे आपका मन काफ़ी ख़राब हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम प्लानिंग किसी और चीज़ के लिए करते हैं और होता कुछ और है और सामने कुछ और आ जाता है, बस उसी स्थिति से अभी आप गुजर रहे हैं। तो धोखा होने की पूरी संभावना, सोच समझकर जीवन में निर्णय लें। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। तो धनु राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से नॉर्मल है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अबनॉर्मलिटी आप अपने कर्मों से ला रहे हैं। कई बार हम बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने का प्रयास करते हैं तो हमारी चीज़ें बिखर जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे हमें सफलता भी नहीं मिलेगी और हम अपने टारगेट को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आप इतना ज़्यादा बड़बोलापन बताते हैं या जब आप ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो चीज़ों को स्वयं बिगाड़ लेते हैं। इससे बाहर आने का प्रयास करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मकर राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से नॉर्मल नहीं है। चीज़ों को बेटर करने का प्रयास करें, अपने अनुसार ढालने का प्रयास करें, मन को विचलित ना करें, प्रेम संबंधों में ना पड़े,
क्योंकि अभी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कुंभ राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में भी स्थिति पहले से नॉर्मल है। काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे बिजनेस प्रॉब्लम के साथ आप सफ़र कर रहे थे, तो चीज़ें आपकी बेटर है। पुराना प्यार आपके जीवन में काफ़ी खलबली मचा सकता है। आपकी भावात्मक रूप से आप दुखी हो सकते हैं। कई बार हम किसी चीज़ को खो देते हैं, उसका दुख हमें कई वर्षों तक के रहता है, और वो व्यक्ति जब हमारे सामने अचानक प्रकट हो जाता है तो वो चीज़ें पे भावनाओं पे नियंत्रण करना हमारे लिए कई बार कष्टकारी हो सकता है। तो कुछ इसी प्रकार की स्थितियों के साथ आप भी सफ़र कर रहे हैं। अपने मन को कंट्रोल करें, अन्यथा आपके जीवन में आपकी परेशानी आप स्वयं बढ़ा लेंगे, क्योंकि जब हम मन से हार जाते हैं तो किसी भी प्रकार की चीज़ों में हमारा मन नहीं लगता। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के स्टार्स क्या कहते हैं। मीन राशि वालों के जीवन में स्थिति थोड़ी सी खराब है। आप जिस प्रकार कार्य करना चाहते हैं उस प्रकार कार्य को नहीं कर पा रहे, जिससे आपके मन में हताशा रहती है, और सोच समझ कर जीवन में आगे बढ़ेंगे तभी अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाएंगे। तो आपने जाना कि क्या कहती हैं आपकी राशियाँ और क्या हो सकता है आपके साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार आपको मैं फिर से याद दिला दूं, आप हैं रूपाली श्रीवास्तव के साथ और जान रहे थे अपनी राशियों का हाल। नमस्कार।